दोस्तों, जिस रात टाइटैनिक जहाज डूब रहा था, आपको जानकर हैरानी होगी, वहां पर एक और जहाज मौजूद था जो सिर्फ टाइटैनिक से 37 किलोमीटर की दूरी पर था, जो टाइम पर पहुंच सकता था और टाइटैनिक के पैसेंजर्स को बचाया जा सकता था। जी हां, उस जहाज का नाम एसएस कैलिफोर्निया था। उस जहाज ने टाइटैनिक के डूबने से एक घंटे पहले टाइटैनिक को वार्निंग मैसेज भेज दिया था कि समंदर में बहुत से आइसबर्ग मौजूद है, संभल कर चलो। रात में 11:15 पर कैलिफोर्नियन जहाज के रेडियो ऑपरेटर उसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था। कैलिफोर्नियन जहाज खतरे को देखते हुए रात के लिए समंदर में ही रुका हुआ था, इसलिए टाइटैनिक का सिग्नल उस तक नहीं पहुंच पाया। और जब अगली सुबह उन्होंने रेडियो ऑन किया तो उन्हें एसओएस कॉल मिली थी, और जब उन्होंने उस जगह पर जाके देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी।